स्पोर्ट नहीं है बच्चे, वॉलीबॉल इज ए गेम, टीम गेम, ठीक है। तो ये किसमें आता है? गेम में आता है। वॉलीबॉल अकेले तो नहीं खेला जाता ना, वॉलीबॉल में दो टीम होती है, बहुत सारी टीम होती है, टू टीम्स होती है, सिक्स प्लेयर्स होते हैं, पूरा कई सारी टीम्स होती है बेटा, है ना। लेकिन प्ले बिटवीन टू टीम्स। बेटा मैसेज मत भेजो मुझे, मैसेज नहीं करो बेटा, है ना, क्योंकि इससे डिस्टर्ब हो जाता है। मैं आपको कोई पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं आपको तो बस जस्ट आपको बता रही हूँ, है ना। इसलिए आप एंजॉय करो क्लास को और सीखो जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। कोई बर्डन नहीं है इसमें, आप बस अच्छे से सीखिए जो आपको बताया जा रहा है और एंजॉय करिए, ओके। लेट्स गो। तो वॉलीबॉल इज ए गेम, क्यों? क्योंकि हमारे इसमें कई सारी टीम होती है, इट्स प्ले बिटवीन टू टीम्स, तभी तो हम फाइनल करते हैं ना कि कौन विनर है, कौन रनर है, कौन टीम फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, हम कैसे करते हैं? जब टीमों के बीच में कंपटीशन होता है, मैच प्ले होता है, तभी तो हम फाइनल करते हैं ना। समझ आ रहा है ना आप लोगों को बेटा, है ना। इसीलिए वॉलीबॉल इज ए गेम। वॉलीबॉल किस फेडरेशन से बना हुआ है ना, हम ये भी बताएंगे आपको। वॉलीबॉल के जैसे बोलते हैं ना, इन्वेस्टर कौन है, इसके फादर ऑफ वॉलीबॉल किसको कहा जाता है? डॉक्टर विलियम जी मॉर्गन। किसको बोले जाते हैं? विलियम जी मॉर्गन। वॉलीबॉल सबसे पहले किसने फाउंड किया था? विलियम जी मॉर्गन। सबसे पहले वॉलीबॉल में क्या हुआ था कि हम लोगों ने अपने जस्ट पहले हम कंपटीशन नहीं होता था, हम लोगों ने अपने रिक्रिएशन के लिए शुरू किया गया था, जो वॉलीबॉल की हिस्ट्री है। जैसे बीच वॉलीबॉल था, वो था हम लोग क्या करते थे, कहीं भी जाते थे उस पर हम लोग उसको एंजॉय के लिए और मतलब अपने रिक्रिएशन के उस पर करते थे। धीमे 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 जब इसमें वो इन्वेस्टिंग होने लगा तो हम लोगों को डिसाइड किया गया कि हम इसको एक एज ए गेम भी कर सकते हैं, इसमें कंपटीशन भी हो सकता है। रिहान वर्मा, जब मैं बोलूंगी बेटा तब बोलना है आपको, ठीक है। अभी मैसेज आपको नहीं करना है, जो मैं बता रही हूँ आप उसका ध्यान दीजिए। अभी जब मैं ध्यान दूंगी, जब मैं बताऊंगी आपको तब आप जब मैं पूछूंगी तब आप बताइए, ठीक है बेटा, ठीक है रिहान बेटा। चलिए, आपको पता है वॉलीबॉल की लेंथ कितनी होती है, कोर्ट की वॉलीबॉल कोर्ट की ब्रेथ कितनी होती है? पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं। एक सेकंड, दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है, पहली बात तो वॉलीबॉल कोर्ट का जो शेप होता है वो क्या होता है? रेक्टेंगुलर शेप। ये तो सबको पता ही है ना, मैथ में सबने पढ़ा हुआ है। शेप ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट इज रेक्टेंगुलर शेप। क्यों? क्योंकि लेंथ इसमें ज्यादा है, लेंथ लेंथ साइड की दो ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो वॉलीबॉल कोर्ट का जो शेप है वो क्या है? रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है बेटा। हर्षिता समझ आ रहा है? आहाना समझ आ रहा है बेटा? आहाना को नींद आ रही है लगता है ना। अब हम बात करते हैं लेंथ की। वॉलीबॉल कोर्ट की लेंथ कितनी होती है? एनी गैस, किसी को कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं है? 24 बोलो, जिसको जो आइडिया है बोलो। सॉरी, 24 मीटर। 25 बोलो बोलो। 18 meters जब मैं जिससे पूछूंगी वो बताएगा, ठीक है। म्यूट कर लीजिए बेटा। लेंथ ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट इज 18 meters, ब्रेथ ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट इज 9 centimeters. मैंने क्या बोला था? जब मैं पूछूंगी तब आपको बोलना है बेटा, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है ना। जब मैं आपसे पूछूंगी तब आपको बोलना है। अभी आप अपने आप को म्यूट रखिए और जो मैडम बोल रही है उसको सुनिए। जब मैडम पूछेगी थोड़ी देर बाद तब आप बताइए,
ठीक है बेटा, अच्छे बच्चे किधर है? तो ये क्या है, 18 मीटर 9 मीटर, ठीक है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को साइड लाइन, क्या बोलते हैं हम इसको, साइड लाइन। ठीक है, और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, सरफेस लाइन। इसको क्या बोलते हैं हम, सरफेस लाइन। क्योंकि आपने देखा होगा सरफेस हम कहां करते हैं, यहां से एंड लाइन से और सरफेस लाइन, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी साइड लाइन, ठीक है। अब हमने देख लिया वॉलीबॉल की लेंथ कितनी है हमारे की, 18 मीटर, ब्रेथ है इतनी। ये हो गई हमारी सेंटर लाइन। सेंटर लाइन क्यों, क्योंकि हमने इसको टू पार्ट में डिवाइड किया, तभी तो हमारी टू टीम खेलेगी, एक टीम लेफ्ट साइड रहेगी एक टीम राइट साइड रहेगी, ठीक है। एक टीम लेफ्ट साइड रहेगी एक टीम राइट साइड रहेगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, टेप कोर्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सेंटर लाइन, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर सबको? मैम राइट भी, यस मैम। वन बाय वन मैंने बोला था ना, किसी को बोलना नहीं है, बोलना नहीं है किसी को भी, ठीक है। तो ये होगी हमारी सेंटर लाइन। अब हम 18 मीटर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 5, ये पूरा एरिया हो गया 9 मीटर, और ये हो गया 9 मीटर, ठीक। अब हम 9 मीटर को फिर से दो पार्ट में, आपने देखा होगा ना जब भी गेम होता है, जब आपके बड़े यहाँ पे स्कूल आते हैं तो भैया लोग जो खेलते हैं तो एक लाइन यहाँ पर और होती है, यहाँ से भी अटैक करते हैं बॉल को, पीछे से बॉल को डिफेंस करते हैं, आपने देखा होगा ना, देखा है ना वॉलीबॉल कोर्ट में, एक लाइन सेंटर लाइन की उसमें एक लाइन और होती है, यस मैम, होती है ना बच्चे, यस मैम। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर जोन, क्या बोलते हैं, फ्रंट जोन, ये होता है फ्रंट जोन, फ्रंट जोन, फ्रंट जोन, हाँ 6 मीटर बैक जोन, ठीक है। ये जो हमने इसकी डिस्टेंस क्या होती है, 9 मीटर था हमारा सेंटर, मैम राइट जी 3 मीटर, क्या हो गया ये 3 मीटर। अब 9 में से हमने 3 माइनस कर दिया, क्योंकि हमने फ्रंट जोन की डिस्टेंस क्या लिया, ब्रेथ क्या लिया, 3 मीटर, तो हमारे पास 6 मीटर हमारा हो गया बैक जोन। ये फ्रंट जोन होता है बेटा, ये बैक जोन होता है। ये भी पर्टिकुलर एक गेम के, वॉलीबॉल के ना टर्म्स होते हैं, जैसे अपन कुछ भी बोलते हैं ना, ये अटैक वो हो गया, या यहाँ से अटैक करते हैं, यहाँ से बॉल बढ़ाते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं होता, पर्टिकुलर हर चीज का एक टर्म होता है, ठीक है ना, एक लैंग्वेज होती है, साइंटिफिक गेम होता है, ठीक है बेटा, ठीक। तो दिस इज फ्रंट जोन, दिस इज बैक जोन, ठीक है। 3 प्लेयर्स आ गए, 3 प्लेयर्स आ गए, ठीक है। अब आप बात करते हैं ऐसे ही सेम मेटल का, मीटर और 6 मीटर, ठीक है। अब बात करते हैं हम, हाउ मेनी प्लेयर्स इन प्ले। अभी हम पूरे डायमेंशंस की बात नहीं करेंगे वॉलीबॉल कोर्ट डायमेंशंस की, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारा डायमेंशंस है, एक साथ में आपको बताऊंगी तो आप सब भूल जाओगे। अभी आप सिर्फ जो बेसिक चीज है, नॉर्मल चीज है, कोर्ट मेजरमेंट 19 × 8 मीटर, 18 मीटर लेंथ, 9 मीटर ब्रेथ, डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, 9 9, फ्रंट जोन बैक जोन, फ्रंट जोन ब्रेथ इज 3 मीटर, बैक जोन ब्रेथ इज 6 मीटर, ठीक है बच्चा बाटी, इतना समझ आया सबको, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे प्लेयर्स की, तो हाउ मेनी प्लेयर्स इन प्लेइंग मैम 12 वॉलीबॉल मैम, पहले आप ये बताइए हाउ मेनी प्लेयर्स इन ए टीम, सारे अनम्यूट रहेंगे, जिसको आ रहा है रेज योर हैंड, मैम जिसको आता है रेज, मैंने बोला ना अनम्यूट रखिए, जिसको आ रहा है फर्स्ट रेज योर हैंड, मैं जब नाम लूंगी तब आप बोलिए। अयान मंसूरी बताइए बेटा, हाउ मेनी प्लेयर्स इन ए टीम, 6 प्लेयर्स, वॉलीबॉल टीम 6 प्लेयर्स, 6 प्लेयर्स,
नो अक्षया थ्री प्लेयर नो पलक टेन प्लेयर नो मैम कह रही टेन हाँ कृति मैम 12 12 प्लेयर्स ओके राइट निर्मल आप बताइए बच्चे मैम किस गेम में वॉलीबॉल की बात कर रहे हैं बेटा अभी हम तो वॉलीबॉल में ही पूछ रहे हैं ना हाउ मेनी प्लेयर्स इन ए वॉलीबॉल टीम मैम इन वन टीम में तो 60 तो प्लेयर्स होते हैं नहीं बच्चे मैम सिक्स प्लेयर सिक्स प्लेयर्स इन प्लेइंग होते हैं मैम 10 प्लेयर यस मैम 12 चुप मैम 12 आप लोग चुप हां आप लोग चुप हो जाइए मैम म्यूट कर लीजिए वन टीम में मैम अनम्यूट कर लीजिए प्लेयर मैम 12 मैम 3 प्लेयर म्यूट करो अपने आप को म्यूट करो बेटा ऐसे आप बोलोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा है ना म्यूट करिए अपने आप को How many players in a volleyball team? 12 players. Okay? बोलना नहीं है आपको. बोलना नहीं है आपको बेटा. आप अपने आप को म्यूट रखिए. 12 players in a volleyball team. अगर आप बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल की तो बेटा उसमें 14 players भी होते हैं. एक स्टैंडर्ड साइज की अगर हम बात करेंगे तो उसमें होते हैं हाँ पता है मुझे बेटा प्रीति सी और पता है मुझे आप करेक्ट हो बेटा मैंने आपको बोला था है ना आपने 12 players बोला था नो प्रॉब्लम तो क्या हम जब आप बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल की तो उसमें 14 प्लेयर्स भी होते हैं लेकिन अपने नेशनल लेवल की और स्टेट लेवल की अगर की बात करते हैं तो 12 प्लेयर्स होते हैं ठीक है लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी प्लेयर्स इन ए वॉलीबॉल अगर आप 12 बोलेंगे तो यू आर राइट ओके हाउ मेनी प्लेयर्स इन वॉलीबॉल टीम प्लेइंग सिक्स प्लेयर्स मैंने आपको बोला ना आपको नहीं बोलना है अभी सिक्स प्लेयर्स इन ए प्ले ठीक है यहाँ तक आप सबको समझ में आया किसी को कोई प्रॉब्लम किसी को कोई प्रॉब्लम किसी को कुछ पूछना है अगर किसी को पूछना है तो आप हाथ उठाइए रेज योर हैंड अगर किसी को कुछ पूछना है तो रेज योर हैंड ठीक है बच्चे अब आपने देखा होगा ना ये अब हम यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा अच्छा वॉलीबॉल टीम में आपने देखा होगा ना जब भी मैच वगैरह आपने देखा होगा टीवी पर या कहीं भी अपने लाइव में अपने आप जो इंटर एशिया और ये जब स्पोर्ट्स होते थे ना तो आपने देखा था ना कि वॉलीबॉल टीम में एक प्लेयर तो होता है ना जो डिफरेंट वो किट पहन के रहता है डिफरेंट जो कलर की किट पहने रहता है बाकी प्लेयर्स से है ना उसको हम क्या बोलते हैं मैम वो कोच होता है उसको हम क्या बोलते हैं लिब्रो वो एक्सचेंज होता रहता है ना लिब्रो का क्या काम होता है सिर्फ वो डिफेंस करता है ना लिब्रो सिर्फ डिफेंस करता है और वो फ्रंट जोन में कभी नहीं प्ले करता फ्रंट जोन में कभी नहीं जाता है ठीक है वो सिर्फ बैक जोन में ही रहता है वो कभी बॉल को नेट से क्रॉस नहीं कर सकता बॉल से नेट को क्रॉस नहीं कर सकता फ्रंट जोन प्लेयर से कभी उससे बैक जोन प्लेयर से कभी चेंज नहीं कर सकता ठीक है जो डिफरेंट टी शर्ट में रहता है डिफरेंट कलर के किट में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं लिब्रो और एक टीम में एक लिब्रो होता ही है ठीक है बेटा
चलिए यहाँ तक आपको सबको समझ में आया बेटा, समझ में आया? यस। अब मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है? आप जिसका नाम, जिसका नाम लूंगी मैं वही बताएगा, बाकी सब अपने आप को म्यूट रखेंगे। अबव दे रसाई, अबव दे रसाई, यस मैम, अबव दे रसाई। कैमरा ऑन करो बेटा अपना। हाउ मेनी प्लेयर्स इन ए प्लेइंग? मैम 12 प्लेयर्स। ओके, कोई बीच में नहीं बोलेगा, जिसका मैं नाम लूंगी वही बोलेगा, ठीक है? बीच में कोई नहीं बोलेगा। विहान वर्मा, हाउ मेनी प्लेयर्स इन ए प्लेइंग? सिक्स प्लेयर्स। नंदनी, नंदनी हाउ मेनी प्लेयर्स इन ए प्लेइंग? सिक्स प्लेयर्स, ठीक है। दीपजोत, हाउ मेनी प्लेयर्स इन ए प्लेइंग? सिक्स प्लेयर्स, वेरी गुड। सभी बच्चों ने लगभग अच्छा आंसर दिया, राइट आंसर दिया, सिक्स प्लेयर्स इन ए वॉलीबॉल, सिक्स प्लेयर्स इन ए प्लेइंग वॉलीबॉल मैच, ठीक है। अक्षया, आप बताइए बेटा, हाउ मेनी प्लेयर्स इन ए वॉलीबॉल टीम? मैम 12 प्लेयर्स। 12 प्लेयर्स। आहाना, हाउ मेनी प्लेयर्स इन ए वॉलीबॉल टीम? मैम 12 प्लेयर्स। अगर हम 14 बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा क्या? नो मैम। आहाना, अगर हम बोलेंगे 14 प्लेयर्स इन ए वॉलीबॉल टीम तो इट इज राइट और रॉन्ग? मैम रॉन्ग। रॉन्ग, ओके, चलो दूसरे से पता करते हैं। पलक सैनी, हाउ मेनी प्लेयर्स इन ए वॉलीबॉल टीम? अगर आहाना ने बोला 12, मैंने बोला कि अगर हम 14 बोलेंगे तो रॉन्ग होगा या राइट होगा? रॉन्ग। रॉन्ग होगा। मैम कहना है आंसर? एक सेकंड। यस राइट आंसर। वैष्णवी, मैम राइट होगा, भी आपने बोला था इंटरनेशनल में 14 प्लेयर्स होते हैं। यस यस, सॉरी, वेरी गुड। चलिए आहाना, पलक सैनी, आपका भी आंसर सही है बेटा, लेकिन अगर हम बोलते हैं 14 प्लेयर्स तो भी हमारा आंसर रॉन्ग नहीं होगा। क्यों? जो भी इंटरनेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल टीम होती है उनमें 14 प्लेयर्स ही लिए जाते हैं, ठीक है बेटा? अपने जो नेशनल लेवल है, अब ऐसे तो मानो तो अपने यहाँ इंटर एसीएस होता है तो हम 10 प्लेयर्स को ही लेते हैं, है ना? 10 प्लेयर्स को ही लेते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वॉलीबॉल टीम में 10 प्लेयर होते हैं, वॉलीबॉल टीम में 12 प्लेयर्स ही होते हैं। अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे तो देयर आर 14 प्लेयर्स, ठीक है? ठीक है आना, रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है बेटा? ठीक है, अब हम बात करेंगे। शौर्य, शौर्य बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। शौर्य बेटा ये बताइए, जो वॉलीबॉल की लेंथ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? कोई नहीं बोलेगा, मैं सेंटर लाइन। सेंटर लाइन, सेंटर लाइन हमने क्यों लिया है? सेंटर लाइन हमने क्यों लिया है? डिवाइड टू पार्ट्स। तो हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया तो कितना, क्या क्या मेजरमेंट हमारा आएगा? क्या क्या मेजरमेंट आएगा? नैना, नैना नाम है ना? हाँ, नैना ही नाम है ना? हाँ नैना, आप बताइए, अगर हमने वॉलीबॉल कोर्ट को सेंटर लाइन से टू पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या मेजरमेंट आएगा बच्चे? आपको पता है? पता है तो यस, नहीं पता है तो आप नो कर दीजिए, मैं किसी और बच्चे के पास जाती हूँ। ओके, नो नो प्रॉब्लम बेटा। विहान, रेज योर हैंड। चल ठीक, विहान अनम्यूट कर बेटा। क्या मैम, आप रिपीट कर सकते हो क्वेश्चन? मैम क्वेश्चन रिपीट कर दो। अगर हमने वॉलीबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल कोर्ट को अगर हमने सेंटर लाइन से टू पार्ट में डिवाइड कर दिया तो जो हमारे टू हमको पार्ट्स मिलेंगे सेंटर लाइन से, इधर लेफ्ट एंड राइट, जो माला, माला अपने आपको म्यूट करो बेटा, पूरी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करो। हाँ
तो जो हमको दो, जो हमको सेंटर लाइन से डिवाइड करने के बाद दो पार्ट मिले हैं लेफ्ट और राइट, तो उनका मेजरमेंट क्या होगा? समझ में आया बच्चे? किसको? अच्छा आहाना बताओ बेटा। मैम 6 centimeters meters। नो नेक्स्ट कौन बताएगा? दिव्योत बताओ। मैम 9 meters। 9 meter लेफ्ट 9 meter राइट, सिंपल सी बात है बेटा हमारे। एक सेकंड सुनो सारे, वॉलीबॉल कोर्ट की लेंथ क्या है? 18 meter। अगर हमने 18 मीटर को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया लेफ्ट एंड राइट सेंटर लाइन से, तो कितना हो गया? 9 मीटर प्लस 9 18। ठीक है, इसीलिए आज मैंने थोड़ा बताया आपको, सिर्फ लेंथ और वो बताइए, नहीं तो आपका सब हौच पौच हो जाएगा, है ना। चलिए आप बताएंगे, बाकी बच्चे भी बेटा कैमरा ऑन वो करो, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग हो इधर, है ना। आप बताते हैं अनुज मीना राज सिंह, आप तो क्लास ही थोड़ा बेटा क्लास अटेंड किया करो, क्लास पे ध्यान दो। अनुज मीना है या नहीं है? अयान मंसूरी, अनुज मीना, कोई तो बच्चे सामने आओ। ठीक है चलिए, जो हमने 9 meter को भी हमने टू पार्ट में डिवाइड किया था ना, आपको याद होगा? 9 meter को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया था। यस मैम। अच्छा तो जो हमारा फर्स्ट जोन था उसको हम क्या बोलते हैं? स्नेहा सुथार आप बताइए बच्चे, जो हमारा फ्रंट जोन था उसका मेजरमेंट क्या था? मैंने फ्रंट जोन बोल ही दिया है, जो फर्स्ट जोन है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रंट जोन। ठीक है स्नेहा बेटा आप बताइए उस फ्रंट जोन का मेजरमेंट क्या है? मैम कैन आई टेल? एक सेकेंड बेटा, स्नेहा बताइए बेटा, स्नेहा नहीं, कौन बताएगा? मैम कैन आई टेल? यस मैम कैन आई टेल? मैम कैन आई टेल? मैम कैन आई टेल? बेटा सारे नहीं बताओ, वन बाय वन, मैंने बोला था रेज योर हैंड। सौर्या बताओ बच्चे। मैम कैन आई टेल? सौर्या बताओ। मैम 18 लेंथ। मैम आई टेल? मैंने बोला ना सारे अपने आप को म्यूट करो, जिसका मैं नाम लूंगी एक एक बोलेंगे कैन आई टेल कैन आई टेल। किसका होता है बच्चे? जो फ्रंट जोन है, जब हमने 6 meter को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 9 meter को, तो फर्स्ट जोन कितने का होगा? 3 meter का। बैक जोन कितने का होगा? 6 meter का। 3 + 6 = 9 meter। ठीक है 9 meter इस साइड, हाँ लेफ्ट भी उतना ही होगा बेटा, राइट साइड भी उतना ही होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, मैंने जितना भी अभी करवाया आप लोगों को उसमें कोई प्रॉब्लम? नो मैम। सबको सब समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ओके।